गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पोएम रेन ऑन द रूफ फॉर क्लास नाइन्थ बेटे फॉर द क्लास नाइन्थ. दिस इज़ योर पोएम नंबर 3 एंड नेम ऑफ द पोएम इज़ रेन ऑन द रूफ. इट इज़ कंपोज्ड बाय कोर्स किने. बेटा इट्स नॉट रिटन, आप रिटन वर्ड नहीं बोलोगे. पोएम्स के लिए हमेशा क्या होता है बेटा, कंपोस्ट. क्या होता है कंपोस्ट? रचना करना. पोएम की हमेशा रचना की जाती है, सोच कर कहीं से भी विचार लेकर बनाई जाती है, ना कि उसी टाइम लिखी जाती है. तो पोएम नेम इज़ द रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश, और इट्स कंपोस्ट बाय कोर्स किने. बेटा ये जो पोएम है ये नेचर से रिलेटेड पोएम है. इसमें जो है बेटा पोइट जो है कोर्ट स्किनी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है हमसे. क्या शेयर कर रहा है बेटा? एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है अपने पास्ट मेमोरीज़ के, जो सी मदर से रिलेटेड है. और वो सिचुएशन जो है, वो चीज़ क्या है बेटा, वो बारिश के दिन है, उसकी जो छत पर बारिश गिर रही है, वो क्या फील कर रहा है बॉडी में माइंड में, ये सब दो तीन बातों का ही इसमें क्या है डिस्क्राइब किया हुआ है. यहाँ पर आपके बेटा बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, ये अभी हम नहीं कर रहे. ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग बेटा पीछे पोएम में आए हुए हैं, और ये मैंने आपकी यहाँ पर सारी हिंदी भी लिख दी है इसमें ट्रांसलेट करके इसको. और ये पोएम क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी पोएम है बेटा. आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक राइट नाउ, सो आई ट्राई टू मेक इट फ्रॉम हेयर, बट यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम, ऑल द मटेरियल इज़ हेयर. तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम रेन ऑन द रूफ. सी दिस, दिस इज़ वेरी ईजी ईजी पोएम बेटा, बहुत ईजी है. वेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स. ह्यूमिड, ह्यूमिड क्या होता है? नमी भरी, यानी कि गीलापन जिसमें हो बेटा. शेडो मीन्स परछाई. होवर होता है बेटा मंडराना, किसी चीज़ के ऊपर मंडराना. ये देखो मैंने मीनिंग लिखे, आप भी सभी नोटबुक में नोट करोगे इसको, फेयर नोटबुक में बेटे. ह्यूमिड क्या होता है? नमी से भरी. जब परछाई मंडराती है ऊपर, कहाँ किस चीज़ के ऊपर? ओवर ऑल द स्टेरी सरफेस. स्टेरी वर्ड किससे बना बेटा? स्टार से. स्टेरी वर्ड किससे बना है? स्टार से बना है. और मीन्स तारों भरी, जो भी आकाश है हमारा, स्फेयर है, पूरा गोल दिख रहा है हमें, वहाँ पर क्या है? ह्यूमिड शेडो है. कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा? क्लाउड्स हैं, बादल हैं. बादल आपको पता ही है नमी भरे हैं, और जो स्टार होते हैं हमें दिखाई नहीं देते जब बादलों भरी रात हो. एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. मेलेंकली होता है उदासी. मेलेंकली क्या होता है बेटा? सैडनेस, उदासी. जो अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, वो हमेशा ही कैसी होती है? उदासी से भरी हुई होती. कैसी होती है बेटा? उदासी से भरी हुई. जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रोती है. वीप्स मैंने क्या होता है बेटा? रोना. और जेंटली मैंने आराम से. इन रेनी टीयर्स, यानी कि किस चीज़ की फॉर्म में रोती है वो? रेनी टीयर्स, बारिश के रूप में रोती है. टीयर्स होता है आंसू. इसमें पोइटिक डिवाइसेस भी है बेटा, वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे. अभी इस पार्ट वन में ओनली इसकी हम एक्सप्लेनेशन ही देख रहे हैं हम पोएम की. नेक्स्ट देखो, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. क्या आनंद आता है. ब्लिस क्या होता है? आनंददायक फील करना. पिलो, तकिए को. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पर? जो उसकी कॉटेज है, झोपड़ी है, उसमें जो चैम्बर है बेड का, वहाँ पर. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. लाई मीन्स लेटा हुआ. जो पोएट है वो क्या किया हुआ है बेटा? लेटा हुआ है. लिसनिंग मैंने सुन रहा है क्या? पैटर, बारिश की आवाज़ को. पैटर क्या होता है? साउंड ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, कौन सी? जो रेन हल्की हल्की आ रही है, सॉफ्ट आ रही है बिल्कुल, उसके बिल्कुल सिर के ऊपर, यानी कि अपनी वो छत से आवाज़ सुन रहा है बेटा. एक बार और इसको एक मिनट के लिए देख लो फटाफट. वैन द ह्यूमिड शेडो होवर, जब नमी से भरी हुई शेडो मंडराती है, कहाँ पर? स्टारी स्फीयर्स में. मीन्स इट मीन्स क्लाउड आते हैं. तो मेलेंकली डार्कनेस, जो उदासी भरी अंधेरा है, वो रोने लग जाता है. वीप्स जेंटली मीन्स रोने लग जाता है. किसकी फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में बेटे. और पोइट क्या कहता है? क्या आनंद आता है ऐसे मौसम में तकिया सिर के नीचे लगा के आराम से लेटे रहना अपने बेड पर, और आवाज़ सुनना बारिश की
अपने सिर के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये स्टैंजा नंबर वन बेटा। अब स्टैंजा नंबर टू बेटा, ये रिपीट है, यहाँ पर इसको मैं नहीं कर रही। यहाँ देखो बेटे, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। एवरी टिंकल यानी कि बारिश की एक एक बूंद की जो आवाज़ है, बिल्कुल एवरी ड्रॉप की। शिंगल्स के दो मीनिंग है बेटा, शिंगल्स होता है छोटे और चिकने पत्थर भी होते हैं, और टाइल्ड रूफ भी होती है। आजकल तो जैसे लेंटर है, और पहले ज़माने में क्या होता था, वो जो सिल्लियाँ जिसको आप बोलते हो पत्थर की, उनकी छतें बनी हुई थी, ठीक है। तो ये टाइल्ड रूफ, टाइलों वाली रूफ, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, सुन रहा है किसको, हैज़ एन ईको इन द हार्ट। और जो ईको, ईको होता है गूंजना। ईको क्या होता है बेटा, गूंजना, कोई भी आवाज़ गूंजना। ये उसके क्या है, हार्ट में, दिल में गूंज रही है कौन सी आवाज़, जो टाइल्ड रूफ के ऊपर एक एक बूंद की आवाज़ गिर रही है, वो उसके दिल के अंदर गूंज रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट। थाउजेंड्स, हज़ार ड्रीमी, सपनों से भरी फैंसीज होती हैं बेटा, कल्पनाएँ। क्या होती हैं, कल्पनाएँ, जो बैठे बैठे हम करते रहते हैं। कहाँ पर शुरू हो गई वो, कहाँ स्टार्ट हो गई, बिजी बींग, यानी कि जो बिजी शेड्यूल है, माइंड में हमारा बिजी चलता रहता, कहीं कुछ भी सोचते हैं, उस बिजीनेस के अंदर हजारों ड्रीम्स शुरू हो गए। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इन टू वूफ। वूफ की भी दो मीनिंग है बेटा, डॉग्स बार्किंग, कुत्ते का भूकना भी होता है, और ताना बाना बुनना भी होता है। लेकिन हमारे पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा मीनिंग है ताना बाना बुनना बेटा। यहाँ देखो, एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों यादें वीव्स, बुनना शुरू कर दिया उन्होंने हवा में, मन के अंदर ताना बाना, यादों का ताना बाना शुरू हो गया। तो इसमें आपने क्या रीड किया बेटा, जो सिंगल्स हैं, टाइल्ड रूफ है, वहाँ पर उसकी बूंदें गिर रही हैं, और उनकी गूंज उसमें कहाँ आ रही है, दिल में, यानी कि दिल में यादें शुरू हो गई हैं, हजारों कल्पनाएं उसके दिमाग में दौड़ने लग गई हैं। कौन से दिमाग में, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं। और थाउजेंड रिकलेक्शंस, हजारों जो रिकलेक्शंस हैं, यादें हैं, वो अपना ताना बाना बुनने लग गई, कहाँ पर, इनटू वूफ, अपने जिंदगी में। तो नेक्स्ट पैरा देखो बेटा, इसमें आप अपना लास्ट है अब, ये वेरी इजी पोएम बेटा। नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर एंड शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। क्या कहता है, अब क्या है बेटा ये, इन माय मेमोरी, मेरी मेमोरी में कौन आ रहा है, यादों में, मेरी मदर। वो क्या कह रहा है, कौन आ रहा है, माय मदर। सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जो कि उस सालों पहले जा चुकी है, और उसको मतलब याद आ रही है कैसे उसकी मदर बारिश के दिनों में गोद में अपना सर रख, उसके अपने बेटे का जो सर था अपनी गोद में रखकर उसको प्यार करती थी, वो सब यादें उसको याद आ रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड होता है सम्मान देना, रिगार्ड क्या होता है बेटा, सम्मान देना। डार्लिंग ड्रीमर्स, अपनी मदर के लिए यूज़ कर रहा है, जो बहुत ही बिलव्ड होते हैं। एज सी सेफ लेफ्ट देम टिल डॉन, और जो उनको छोड़ चुकी थी डॉन तक। ओ आई फील हर फोंड लुक ऑन मी, मैं फील कर सकता हूँ उसकी जो फोंड, जो प्यार भरे वाली लुक थी, नज़र थी। माँ अपने बच्चों की तरफ हमेशा क्या करती है, प्यार से ही देखती है, तो जो प्यार भरी नज़र थी वो उसको महसूस कर रहा है। बार बार यहाँ पर आई वर्ड आ रहा है बेटा, ये आपसे पूछा भी जाएगा, जो आई वर्ड है ये किसके लिए रेफर है, इट्स फॉर द पोइट। एंड आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन का मीनिंग यहाँ पर म्यूज़िक है बेटा, वैसे बचना भी होता है, लेकिन ये कह रहा है मैं लिस्ट कर सकता हूँ म्यूज़िक की, जो पहले मैंने कभी सुनी थी अपनी माँ की गोद में। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो बजा करती थी, कहाँ पर, सिंगल्स जो आपने टाइल्ड रूप पढ़ी थी। बाय द पैटर ऑफ द रोन, और वो किसकी साउंड थी, रेन की ही साउंड थी। तो लास्ट जो स्टैंजा है बेटा, उसमें वो किसको याद कर रहा है, अपनी मदर्स को याद कर रहा है, और पहले स्टैंजा में क्या कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है किसके बारे में, अपनी बारिश की, जो इंजॉय कर रहा है उसको। तो जल्दी से आप यहाँ पे इसके वर्ड मीनिंग भी देख लो बेटा। ह्यूमिड, वेट यानी कि गीला। होवर ओवर, स्टे इन द एयर इन वन प्लेस, हवा में एक स्थान पर ठहरना। मेलंकली, सैडनेस, उदासी। पैटर, साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, गिरती हुई बूंदों की बारिश। ओवर हेड, अबव द हेड, सिर के ऊपर। टिंकल, द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द स्टोन,
जो साउंड होती है रेन की, जो पत्थरों पर गिरती है, उसको क्या बोलते हैं? टिंकल। शिंगल्स, स्मॉल स्मूथ स्टोन्स। सिंगल्स क्या होते हैं? छोटे और चिकने पत्थर। इको, रीसाउंडिंग। इको क्या होता है बेटा? रीसाउंडिंग साउंड्स, जो दोबारा साउंड होती है उसको इको बोलते हैं, गूंजना। फैंसीज, इमेजिन्स थिंग्स, चीज़ों की कल्पना करना। रिकलेक्शंस, मेमोरीज, यादें। एगोन, दैट इज़ पास्ट नाउ, जो अब बीत चुकी है। मदर वाले स्टेंजा में आया था ये। ए, बिफोर। ए क्या होता है? बिफोर। डार्लिंग, बिलव। डार्लिंग क्या होता है बेटा? बिलवड। थोड़े से और रह गए बेटा ये। डॉन, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग के टाइम को डॉन कहते हैं, और इसका अपोजिट होता है डस्क। क्या होता है बेटा? डस्क मीन्स इवनिंग टाइम। जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसको डॉन बोलते हैं, और जो अर्ली इवनिंग होती है, जब ना दिन होता है ना रात होती है, इवनिंग का टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं? डस्क। फोंड होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, और यहाँ पर लविंग, प्यारा भी। फोंड के साथ जब ऑफ लग जाएगा, फोंड ऑफ, तो क्या हो जाएगा? शौकीन होना। अरबी क्या है इसका मीनिंग? लविंग। रेफ्रेन, रेफ्रेन का मीनिंग वैसे बचना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? म्यूजिक। क्या मीनिंग है इसका? म्यूजिक, जो पोइट म्यूजिक की लिस्ट बनाता है बेटा। शिंगल्स, टाइल्ड रूफ, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने अभी। पैटर, यहाँ पर राउंड नहीं है बेटा, ये साउंड आएगा यहाँ पर, एस आएगा आपका साउंड, बाय मिस्टेक प्रिंट है ये। साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स के द्वारा जो साउंड बनती है उसको क्या बोलते हैं? पैटर, ये साउंड है बेटा। इस तरह से आज हमने आपके वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो गए, पोएम के सारे स्टैंजास भी क्लियर हो गए। जो इसका एक चीज़ बचती है वो क्या है बेटा? ओनली पोइटिक डिवाइस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटे। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर देखना बेटे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।